वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि पेटीएम केवाईसी कंप्लीट कैसे करें। दोस्तों जो पेटीएम केवाईसी है दो प्रकार के होते हैं, एक मिनी केवाईसी और एक फुल केवाईसी। जो मिनी केवाईसी होता है दोस्तों वो अपने फ़ोन से ही करा जाता है, वो हम खुद करते हैं, वो अपने आधार कार्ड के नंबर को डाल के हम खुद ही मिनी केवाईसी एक साल के लिए कर सकते हैं। मिनी केवाईसी दोस्तों एक ही साल के लिए होता है और जो फुल केवाईसी होता है वो पूरे 10 साल के लिए होता है। वो हमें केवाईसी सेंटर जाके फुल केवाईसी करवाना पड़ता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट की भी स्कैनिंग की जाती है। तो दोस्तों अभी ये जो बहुत प्रॉब्लम चल रही है पेटीएम केवाईसी करने में, दोस्तों जिनका केवाईसी पहले से कंप्लीट हो रखा है वो दोबारा जाके अपना पेटीएम सेंटर पे जाके अपना केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों जिनका नया नया केवाईसी पहली बार होने जा रहा है उनका पेटीएम केवाईसी अभी दोस्तों नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कुछ अपडेट कर रहे हैं पेटीएम में दोस्तों कि अभी थोड़ा काम चल रहा है जिसके कारण अभी पेटीएम केवाईसी नहीं हो पा रहा है। जब भी आप अपने आधार कार्ड या कोई और भी प्रूफ के साथ अपने उसको केवाईसी करते हो तो वो एरर की प्रॉब्लम दिखाता है और अगर आप उसको 3-4 बार से ज़्यादा कर लेते हो तो वो 24 आवर्स का टाइम देता है। तो दोस्तों यही मेरे साथ भी हो रहा है। तो दोस्तों मैं सोच रहा तो दोस्तों बहुत दिक्कत आ रही है पेटीएम केवाईसी करने में, इसका यही रीज़न है कि पेटीएम केवाईसी अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी पेटीएम में काम चल रहा है, पेटीएम के बहुत सारे यूजर्स हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी पेटीएम केवाईसी तो होएगा नहीं क्योंकि अभी उसमें हो रहा है अपडेट का काम। तो दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है कैसी प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाऊंगा कि कैसी प्रॉब्लम आती है, कौन सा एरर का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों अभी जो आप और भी वीडियो देख रहे हो उसमें अभी किसी में भी आपको पेटीएम केवाईसी करना नहीं बताया गया है, सारी फेक वीडियो है। तो दोस्तों मैं किसी का कहूँगा नहीं, दोस्तों सब फेक वीडियो दिखाते हैं अभी जो भी नई अपलोड हुई है। दोस्तों अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ पेटीएम केवाईसी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जब पेटीएम केवाईसी होगा तो आपके पेटीएम में अपडेट का ऑप्शन आएगा और उसमें एक केवाईसी का आइकन दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों पेटीएम केवाईसी का अपडेट तो आता रहता है लेकिन केवाईसी का ऑप्शन नहीं आता है। तो दोस्तों इसकी यही प्रॉब्लम है कि पेटीएम केवाईसी क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रेड वाला आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों उसको क्लिक करिए, नीचे आपको दिखेगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों मेरा अभी न्यू चैनल है तो दोस्तों आप और जो फेक वीडियो देखते हो उस पर इतना मत भरोसा करो कि दोस्तों वो सब फेक वीडियो है, आपको पागल बनाते हैं दोस्तों वो सब व्यूज़ बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेटीएम केवाईसी अभी नहीं हो रहा है, दोस्तों मैंने अभी बात करी थी पेटीएम केवाईसी सेंटर में कॉल करके तो वो भी कह रहे थे कि अभी दोस्तों नहीं होगा, जो होगा पेटीएम केवाईसी बाद में होगा। तो दोस्तों अभी आज की वीडियो इतनी ही करते हैं और जो अभी मैं आपको आगे अपने फ़ोन में बताऊँगा। तो दोस्तों हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन में आ चुके हैं और अब मैं आपको केवाईसी करके दिखाऊंगा कि कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम अपने केवाईसी को ढूंढते हैं इसमें पेटीएम में कहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें केवाईसी। तो दोस्तों हमारा केवाईसी खुल चुका है और इसमें कह रहा है कंप्लीट योर केवाईसी और हम जब केवाईसी कर लेंगे और रिचार्ज बिल पेमेंट पे हमें 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी सबके में आता है तो प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा आधार कार्ड नंबर पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। और नीचे हम अपना जो आधार कार्ड में नाम दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही नाम हमको अपना इसमें केवाईसी में कंप्लीट करने के लिए डालना होगा।
तो दोस्तों हमने अपना नाम डाल दिया है और आई एग्री पे हम क्लिक कर देते हैं, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है, और हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एरर का ऑप्शन आ चुका है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम है कि जो पेटीएम केवाईसी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही दिमाग खाने वाली प्रॉब्लम है, पेटीएम केवाईसी दोस्तों नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हुआ है। अगर दोस्तों जैसे ही पेटीएम केवाईसी का अपडेट आ जाता है और मैं आपको लाइव पेटीएम केवाईसी करके दिखाऊंगा, आपको वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके।